वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव फिटनेस फ्री। एंड गाइस, आज हमने आपके साथ शेयर किया कंप्लीट लेग वर्कआउट फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस। इट्स वीक नंबर 2 एंड डे नंबर 6। सो फर्स्ट ऑलरेडी लेट्स गेट स्टार्टेड। बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। सबसे पहले हमें करनी है स्लो जंप। आप देख सकते हैं अपने पंजों के ऊपर आपको जंप करना है स्लो, ज़्यादा हाई जो उतनी है स्लो करना है। एंड गाइस, इसके बाद हम करेंगे जंपिंग जैक। अपने लेग्स को ओपन करना है अपने हाथों के साथ। आप देख सकते हैं जंपिंग जैक करें गाइस। एंड गाइस, इसके बाद हम करेंगे लेग किक। अपने शोल्डर लेवल पर एक निशान बनाइए, कोशिश कीजिए उस लेवल तक किक करने की। पहले लेफ्ट लेग करेंगे गाइस, फिर राइट लेग करेंगे। आप देख सकते हैं ये किक करनी है अपने हाई लेवल पर ताकि हमारे मसल ओपन हो सके गाइस लेग की। ये देखिए गाइस, इसके बाद हम करेंगे बैक किक। आप देखिए एक आप बॉल का सहारा ले सकते हैं और पीछे की तरफ करना है गाइस, हल्का सा आगे की तरफ जोर लगाने के लिए पीछे हाई करनी है गाइस, जितना हो सके पीछे की तरफ किक करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, हमारी हैमस्ट्रिंग की ग्लूट्स मसल एक्टिवेट होंगी। गाइड आप साइड से करेंगे साइड किक। आप देख सकते हैं बॉल का सहारा लेके आराम से करेंगे गाइस, जितना हाई करने की कोशिश करेंगे। एक बैलेंस बना लिया गाइस हमने। अब जितना हाई करेंगे गाइस, जितना हाई होगा उतना ही मसल्स पे गाइस एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड फ्लो आ जाएगा, एक स्ट्रेच पड़ेगा गाइस आपके मसल्स के ऊपर। एंड गाइस ये देख सकते हैं, अब गाइस अपने नीज़ को उठा के रोटेट कर रहे हैं अपने, हम ये कर सकते हैं क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज गाइस। अब हम लेफ्ट करेंगे गाइस क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज, अब ताकि हमारी पूरी मसल गाइस एक्टिवेट हो सके, पूरी जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। अब गाइस हम करेंगे डोंकी किक। ये गाइस देखिए नीचे आ गए हम, नीज़ पे अपन नीज़ पे आ गए। अब अपने नीज़ को आगे ला के ऊपर छत की तरफ करना है गाइस, जितना आप छत के ऊपर जाएंगे गाइस आपकी ग्लूट्स की मसल्स के ऊपर एक्टिवेट होगी, ग्लूट्स की मसल में स्ट्रेच आएगा गाइस। हम ग्लूट्स की मसल को स्ट्रेचिंग कर रहे हैं गाइस। ये देखिए एक हल्का सा आगे लेने स्टार्ट के लिए हम हल्का सा लाते हैं चेस्ट के पास एंड ऊपर हायर, जितना हमें गाइस छत की तरफ किक करना है इसको। ये देखिए गाइस, अब गाइस हम करेंगे बॉडी वेट से स्क्वाट्स गाइस। ये देखिए हल्के से पैर वाइड, शोल्डर से वाइड पैर है और जो गाइस पैर का पंजा है वो देखिए गाइस बाहर की तरफ है गाइस आउटर। ये देखिए गाइस एंड गाइस इस देख सकते हैं आप, और गाइस नीज़ बिल्कुल वहीं रहेंगी, आपको क्या ग्लूट्स के सारे बैठने हैं, आपकी नीज़ वहीं पर ही हैं गाइस। अब हम लोग आएंगे बॉडी वेट लंजेस। ये देखिए आराम से करना है गाइस, ज़्यादा पूरा ऊपर हम खड़े नहीं हो रहे, हल्का सा स्ट्रेच दे रहे हैं गाइस बिल्कुल। अब ये देख सकते हैं हल्का सा स्ट्रेच दे रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, एक ही पोजीशन में बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं हम। पहले एक लेग फिर सेकंड लेग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं गाइस। ये गाइस देखिए अब साइड टू साइड लंजेस करेंगे गाइस। ये देखिए साइड लंजेस की हमने, अब अपने शू का टो उठा के गाइस, जो शू का पॉइंट है उससे अपने हैमस्ट्रिंग मसल को गाइस देखिए शू पॉइंट से हमने स्ट्रेच किया। चलिए गाइस जाते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, फ्रंट स्क्वाट्स। तो गाइस लास्ट टाइम हमने की थी बैक स्क्वाट्स थी, अभी हमारी फ्रंट स्क्वाट्स है। बारबेल को अपने शोल्डर पर रखना है गाइस, और गाइस चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट आप देख सकते हैं, और पीछे की तरफ बैठना है गाइस, नीज हमारी वहीं की वहीं आप देख सकते हैं। ये देख सकते गाइस पीछे गए और एक पूरा जाना नीचे होल्ड रखना है गाइस, जितना हो सके होल्ड रखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए आप आराम से आप आए गाइस, कोई झटका नहीं गाइस, शोल्डर पर रखने गाइस रोड को आराम से। ऊपर हाइयर देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा हाई पोजीशन, देखिए शोल्डर पर रख रखे गाइस हमने। ये देखिए पीछे की तरफ बैठना है और चेस्ट आउट रहे गाइस, ये चेस्ट आउट रखने बहुत जरूरी है गाइस। गाइस हमारी सेकंड एक्सरसाइज लंजिस, वॉकिंग लंजिस विद बारबल। आप देख सकते हैं मैंने बाइसेप्स की रोड के साथ किया है और अपने हाथों पूरा वाइड कर लिया है। और गाइस जब हम एक पैर ले जाते हैं तो हमें रुकना है, ये देखिए रुके फिर लेग चेंज करनी है, रुकना है फिर लेग चेंज करनी है। ये देखिए रुके फिर लेग चेंज, ये देख सकते हैं गाइस आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस। ये देख सकते हैं गाइस हमारी जो नीज़ है ना गाइस, नीज़ आगे नहीं आनी चाहिए ना स्क्वाट्स में ना लंजेस के अंदर। आप देख सकते हैं गाइस, अभी मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा कि जो मेरी नीज़ है गाइस उसी शू से अंदर रहती है, शू से आगे नहीं जाती है। आप देखिए गाइस मैं अभी दिखाता हूँ आपको साइड से भी, चेस्ट आउट रखने गाइस हमें कंटिन्यू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए लंजेस आने, लंजेस वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है।
अगर आप साइड से देखिए, आप मेरी नीस को देख सकते हैं, शू से आगे नहीं जा रहे, वहीं है। ये देखिए साइड से गाइस, चेस्ट आउट है, बैक एकदम स्ट्रेट है, ये देखिए गाइस। चलिए गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, सुमो स्क्वाट्स। जैसे सुमो पैर खड़े होते हैं गाइस, एक पैर को वाइड करना है हमने, और जो ग्रिप पैर गाइस रोड की अंदर रहेगी, दोनों लेगों से अंदर से क्लोज रहेगी, आप ये देखिए। और हमें गाइस लेग्स के सहारे बैठना है, हमें बॉडी चेस्ट को आगे नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं गाइस, चेस्ट को आगे कर लेते हैं और अपनी ग्लूट से उठाते रहते हैं गाइस। हमें अपनी इनर लेग गाइस नीज को बेंड करना है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कि मैं प्रॉपर बैठ रहा हूँ, जैसे स्क्वाट्स में बैठते हैं वैसे ही हम बैठ रहे हैं। अब ये देखिए गाइस, अब मैं पूरा बैठा हूँ स्क्वाट पोजिशन में और स्क्वाट पोजिशन में ही खड़ा हूँ, इसलिए इसको सोमो स्क्वाट बोलते हैं। इसमें पूरा खड़ा होना है। कई लोग इसमें डेडलिफ्ट की तरह यूज़ करते हैं गाइस, बस खड़ा नहीं होते, तो गाइस पूरी नीज करनी है। सो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग। इसमें गाइस गाइस क्या है, जो जो नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं उसमें फ़र्क है गाइस। आप देखिए हम ऊपर कहाँ तक आ रहे हैं गाइस, सिर्फ कमर तक ऊपर आ रहे हैं, और जो हम जब वापस नीचे आते हैं तो आप मेरी ग्लूट्स को देखिए गाइस, ग्लूट्स मसल पीछे की तरफ जा रही है। सारा फोकस ग्लूट्स मसल पे है कि हमारे जो ग्लूट्स मसल को वॉल की तरफ, पीछे जो वॉल है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, आप देखिए। और नीज बिल्कुल हल्की सी मामूली सी बेंड रहेगी गाइज, आपकी हैंड स्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, आप ये देख सकते हैं सामने से। देखिए कन्वेंशनल और इस वाले डेल्ट में गाइज ये फ़र्क है। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर ग्लूट्स के लिए, ग्लूट्स ब्रिज बारबल। ये देखिए गाइज बारबल से कर रहे हैं। कोई भी बेंच पे गाइज अपने सिर और हल्का से कमर को लगाइए गाइज, और नीचे जाइए अपनी ग्लूट्स को लेकर जाइएगा। ये देखिए ग्लूट्स नीचे गए, नीचे स्ट्रेच किया हमने गाइज, ऊपर जाकर स्क्वीज की, ये हमारी ग्लूट्स की मसल के लिए गाइज। ये देखिए ये हम नीचे गए, ऊपर जाके स्क्वीज किया, ऊपर होल्ड रखना है गाइज, झटके नहीं मारने, ऊपर हमें होल्ड रखना है, जो ग्लूट्स की मसल है उसे करना है। सो गाइज अब हम कर रहे हैं काफ रेज। मैं आपको इसमें थ्री वे दिखाऊंगा गाइज। पहले मैंने आपको दिखाया इशारा करके, स्ट्रेट है हमारे पैर, नीचे आराम से गए, ऊपर जितना हो सके हाई स्ट्रेच करना गाइज, ऊपर होल्ड रखना हल्का सा, स्ट्रेच किया, ये होल्ड किया ऊपर गाइज। ये देखिए स्ट्रेच एंड स्क्वीजिंग करने गाइज काफ के लिए, आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला वे गाइज। अब गाइज सेकंड देखिए, पैरों को वाइड रखना है, मेरे शू को देखिए गाइज, जो वाइड है आउटर कर दिए मैंने गाइज। ये देखिए गाइज वही स्ट्रेच एंड स्क्वीज कंटिन्यू रखना है इसके अंदर हमने, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ये देखिए गाइज अभी मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए जो जूते का पॉइंट है गाइज, इसको मिलाना है आगे से, जो आगे का पॉइंट है उनको मिलाना है, पहले वाले में जो बाहर का था, इस वाले में अंदर का जो शू का पॉइंट है गाइज। गाइज आपकी काफ की मसल में ब्लास्ट होने लगा, सीरियसली ब्लास्ट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वीडियो पसंद आए तो अभी अभी लाइक कर दो, चैनल पर नए आए तो अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस बेल आइकन को जाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड गाइस आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड राधे राधे।